आज करने वाले हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म। थोड़ा क्वेश्चन आगे भी है, मैंने थोड़ा कम लिखा है, इसमें लिखा हुआ कि डज इट मेक एनी सेंस एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो बात करते हैं पहले पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन के लिए इसे लेट करना पड़ेगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9, बार लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो आप x को क्या कर दीजिए, 0.999 डैश डैश इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जब आपको p by q फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना पड़े तो आपको क्या करना है, ये देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 वी गेट 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.999 डैश। ओके, सो 10x इज इक्वल टू 9.999 इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके, नाउ 10x इज इक्वल टू 9.999 डैश डैश डैश, एक्स इज इक्वल टू 0.999 डैश डैश डैश। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका 10x में से x जाएगा तो 9x, एंड 9 इसमें माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 9। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपका आंसर है। p बाई क्यू फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप लिख सकते हो हैंस द रिक्वायर्ड p बाई क्यू फॉर्म इज, रिक्वायर्ड p बाई क्यू फॉर्म इज 1। नाउ अगर हम बात करें क्या इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि क्या ये सेंस बनाता है कुछ, तो यस बनाता है। कैसे, देखिए अगर मैं बात करता हूं 1 और 0.9 में, इनमें कितना डिफरेंस है, अगर मैं इन दोनों को ही माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 0.1। ओके, और क्योंकि यहां पर 9 क्या है, रिपीट हो रहा है, जैसे आप इस 9 को एक बार और रिपीट करोगे तो आंसर आएगा 0.01। अगर आप एक बार और इस 9 को रिपीट कर देते हो तो आंसर क्या हो रहा है, 0.001। अगर आप एक बार और इसे रिपीट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0001। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप 9 की वैल्यू यानी कि रिपीटेशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। एक टाइम पर ऐसा होगा कि ये 1 यहां पर है, 0.9 क्या करेगा, इसको बिल्कुल टेंड करेगा, इसको कहते हैं टेंड्स, 0.9 टेंड्स टू 1, 1 बनने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई उस केस में ये इसकी सेंस रखता है, हम कह सकते हैं 0.999 का पी बाई क्यू फॉर्म क्या बनेगा, 1। ओके, नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 1/17 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स का ब्लॉक कितना हो सकता है जो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं जो हमेशा रिपीट होते रहेंगे। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, देखो अगर आपके पास कोई भी डिवीजन में है या रैशनल नंबर में है तो जो उसका डिवाइजर रहेगा उसके नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स हमेशा उस डिवाइजर से कम रहने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर 17 है, ठीक है, तो 17 से कम रहेगा, 0, 1, 2, 3, 5 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समथिंग हो सकता है, 16 तक जा सकता है। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 16। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन क्वेश्चन इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, और यहां पे डिवाइजर कौन है, 17। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इन द ब्लॉक शुड बी 16। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 16 हो सकते हैं,
और हमें ये क्या करके दिखाना है, आपको एक्चुअल डिवीजन करना है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे तो एक्चुअल डिवीजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फेयर नोटबुक में दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है, आपको फेयर नोटबुक में एक्चुअल डिवीजन दिखानी पड़ेगी। 17 देखिए यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो जीरो पॉइंट पे जाएगा, एक जीरो आ जाएगी डेसिमल के बाद, फिर उसके बाद फिर नहीं जा रहा है तो एक और जीरो लेनी पड़ेगी, फिर 100 हो जाएगा, 17 5 जा फिर 85 पे कैंसिल होगा, ठीक है, और यहां से फिर 15 बच जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे आप धीरे धीरे लॉन्ग डिवीजन अपनी परफॉर्म करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235291146447। और जैसे यहां पर जाएगा तो ये रिपीट होने लगेगा, क्योंकि रिमाइंडर वापस क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। लास्ट में जब आप इस 7 पे पहुंचोगे तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि फिर वही सेम प्रोसेस दोबारा होगी, और ये ब्लॉक 16 नंबर्स का ब्लॉक है, दोबारा से रिपीट होता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें ऐसे रैशनल नंबर्स के जिनका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो क्या होता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। तो ऐसे रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में है, तो आप उसके डिवाइजर के नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपने 2/8 लिख दिया, जिसका आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.25। ओके, इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो आप उस फॉर्म में आपके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, उसके नेचर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर आपका रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है, उसकी टर्मिनेटिंग है, तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा ही, डिनोमिनेटर कह सकते हो या फिर डिवाइजर कह सकते हो, डिवाइजर का नेचर कैसा रहेगा, डिवाइजर हैज प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n मल्टीप्लाई 5 raised to the power m, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। अब देखिए इसमें एक चीज बताता हूं, यहां पे हो सकता है वहां पर सिर्फ क्या हो, ओनली 2 की पावर n हो, ठीक है, 5 की पावर m ना हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 0। अगर वहां पे हो कि ओनली 5 की पावर्स है, 2 की पावर नहीं है, दैट मीन्स ओनली 5 raised to the power m है, तो उस केस में 2 raised to the power 0, होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके इन दोनों के अलावा, जैसे 2 की पावर n और 5 raised to the power m दोनों है, इसके साथ साथ कोई थर्ड फैक्टर भी आता है, तो वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, वो कैसे बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द डिवाइजर ऑफ दैट P/Q फॉर्म रैशनल नंबर इन विच द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है यू हैव टू फाइंड आउट 3 any digits हु हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ऐसे नंबर्स कौन होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर, ठीक है। आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो मैं आंसर आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आप √2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो कैसा रहेगा, इरेशनल रहेगा। उसके साथ साथ आप √3 लिख सकते हो, पाई भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या है, कभी भी ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे, आप इनके डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, और इससे सिंपल भी लिख सकते हैं। अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, नंबर 1 n1, ऐसे लिख दीजिए 0.01001001 इस फॉर्म में चलता रहेगा। हो सकता है मैं इस तरीके से लिख दूं 0.12 0012 0012 0012 थर्ड नंबर भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में n3 0.80800000840 and --. इस फॉर्म में भी
ये क्या है, आपके ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि 5/7 और 9/11 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के कोई तीन इरेशनल नंबर बताइए। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में निकालना पड़ेगा बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन सबसे पहले जब आपने की 5/7 की, तो आपको आंसर मिला 714285 बार, एंड 9/11 का क्या मिलेगा, 0.81 बार। अब आपको कोई तीन नंबर बताने हैं इरेशनल जो इनके बीच की हो, तो सबसे सिंपल सी बात है कि वो 71 से तो बड़े होने चाहिए, 0.71 से ग्रेटर होने चाहिए और 0.81 से लेस होने चाहिए, ठीक है, स्मॉलर होने चाहिए, और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला पार्ट या आप सो करके लिखिए, सो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी एक नंबर बना सकते हैं अपने माइंड से। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, 0.7320, फिर 7300, 7320, ठीक है, नाउ 7324×0, इस तरीके से डैश डैश डैश। देखिए यहां पे 732 के बाद 0, फिर 00, फिर 3×0, फिर 4×0, रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, ओके। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो 0.730, 7300, 7300, 7304×0 डैश डैश डैश। एंड थर्ड पार्ट 0.80, 800, 800×0, 84×0, 8','&-। देखिए अगर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि 71 से ग्रेटर है और 81 से स्मॉलर है और नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये 4 से 5 पार्ट दिए हुए हैं जिनको आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में निकालेंगे तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। और इरेशनल नंबर कौन से होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं √23 की। √23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 23 इज अ प्राइम नंबर। अगर मैं इसके ऊपर रूट निकालूं तो ये इरेशनल नंबर बनेगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो क्या रहेगी, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो द आंसर इज इरेशनल। ओके, क्लियर है इतना। 225 की बात करें तो इसका आंसर आता है 15, ठीक है, √225 का आंसर आएगा 15। 15 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका है 7.478478478, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, एक ब्लॉक क्या है, हर बार रिपीट होगा, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट की बात करें तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, पहले 10, 100, 1000, 10,000, दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये आपके लिए कुछ होमवर्क हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।